कैनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਪਹਿਚਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਉਮਰ 24 ਸਾਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੋਹਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ डाउनटाउन विक्टोरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ विदेश दे विच अपने चंगे भविख दे लई गया सी, पर बीती रात नूं दस्या जा रहा है कि जदों ओह अपने घर वापसी कर रहा सी तां ट्रैफिक लाइटां दे उत्ते खड़ा सी तां जदों पिछों ती एक तेज़ रफ्तार ट्रक आउंदा है तां ट्रक दे वल्लों उस नूं टक्कर मार दित्ती जांदी है। हालांकि उसकी गड्डी जो है ट्रक दे हेठां फस जांदी है ते उस तों बाद दे विच उसकी गड्डी अगे एक बस खड़ी हुंदी है, बस नूं टक्कर मारदी है ते बस जो अगे एक होर गड्डी नूं टक्कर मारदी है, जिस दे विच दस्या जा रहा है कि राजिंदर सिंह की मौत हो गई है। तो मौके की ये तस्वीर भी एक सामने आई है, जिस दे विच साफ देखा जा सकता है कि जो बस है वह भी बिल्कुल ही डिवाइडर के नाल टकराई हुई है ते जो गड्डी है उसनों हुण जो पुलिस मुलाजम ने वो टो करके लैके जाते नज़र आ रहे हैं। तो दस दिए कि राजिंदर सिंह जो कि मानसा के पिंड बोहा का रहने वाला सी अपने चंगे भविख के लिए यह विदेश दे विच गया सी। मापियां नूं भी इस तो बहुत उम्मीद सी कि उन्होंने भी किस्मत बदलेगी, जो बच्चा है उसनों चंगे भविख के लिए विदेश दे विच भेजा गया, रोजी रोटी कमावेगा ते उन्हां दे भी दिन चंगे आउणगे। तो दस दिए कि हुण उन्हां दी भी उम्मीदां दे उत्ते ये पानी फिर चुका है ते उन्हां दे पुत दी जो है वह मौत हो चुकी है। तो दस दिए कि हुण परिवारक मैंबरां दे वल्लों सरकार दे कोल यही गुहार लगाई जा रही है कि जल्द तो जल्द राजिंदर सिंह की जो मृतक देह है उसनू वतन वापस लिया जाए ता जो उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। तो मानसा तो यह मामला सामने आया, मानसा के पिंड बोहा का रहने वाला सी ये नौजवान, जिसकी कि कैनेडा के डाउनटाउन विक्टोरिया के विच सड़क हादसे दौरान मौत हो गई है। कैनेडा दे विच इक पंजाबी नौजवान की दर्दनाक मौत हो जाण दा मामला सामने आया। जानकारी अनुसार कहा जा रहा है कि एक नौजवान जो कि पंजाब तो कैनेडा दे विच अपने चंगे भविख दे लई गया सी ते उत्थे सड़क हादसे दे विच हुण उसकी मौत हो गई है, जिसकी कि पहचान राजिंदर सिंह जो कि उम्र 24 साल मानसा के पिंड बोहा का रहने वाला सी ते अपने चंगे भविख दे लई विदेश दे विच गया सी। तां कैनेडा दे डाउनटाउन विक्टोरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ विदेश दे विच अपने चंगे भविख दे लई गया सी, पर बीती रात नूं दस्या जा रहा कि जदों ओह अपने घर वापसी कर रहा सी तां ट्रैफिक लाइटां दे उत्ते खड़ा सी जदों पिछों ती एक तेज़ रफ्तार ट्रक आउंदा है तां ट्रक दे वल्लों उस नूं टक्कर मार दित्ती जांदी है। हालांकि उसकी गड्डी जो है ट्रक दे हेठां फस जांदी है ते उस तों बाद दे विच उसकी गड्डी अगे एक बस खड़ी हुंदी है, बस नूं टक्कर मारदी है ते बस जो अगे एक होर गड्डी नूं टक्कर मारदी है, जिस दे विच दस्या जा रहा है कि राजिंदर सिंह की मौत हो गई है। तो मौके की ये तस्वीर भी एक सामने आई है, जिस दे विच साफ देखा जा सकता है कि जो बस है वह भी बिल्कुल ही डिवाइडर के नाल टकराई हुई है ते जो गड्डी है उसनों हुण जो पुलिस मुलाजम ने वो टो करके लैके जाते नज़र आ रहे हैं। तो दस दिए कि राजिंदर सिंह जो कि मानसा के पिंड बोहा का रहने वाला सी अपने चंगे भविख के लिए ये विदेश दे विच गया सी। मापियां नूं भी इस तो बहुत उम्मीद सी कि उन्हां दी भी किस्मत बदलेगी, जो बच्चा है उसनों चंगे भविख के लिए विदेश दे विच भेजा गया, रोजी रोटी कमावेगा ते उन्हां दे भी दिन चंगे आउणगे। तां दस दईए कि हुण उन्हां दी भी उम्मीदां दे उत्ते ये पानी फिर चुका है ते उन्हां दे पुत दी जो है वह मौत हो चुकी है। तां दस दईए कि हुण परिवारक मैंबरां दे वल्लों सरकार दे कोल यही गुहार लगाई जा रही है कि जल्द तो जल्द राजिंदर सिंह की जो मृतक देह है उसनू वतन वापस लिया जाए ता जो उसका अंतिम संस्कार किया जा सके। तो मानसा तो यह मामला सामने आया, मानसा के पिंड बोहा का रहने वाला सी ये नौजवान, जिसकी कि कैनेडा के डाउनटाउन विक्टोरिया के विच सड़क हादसे दौरान मौत हो गई है।